गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू कैरियर डिफेंस स्कूल। ठीक है, आज हम लोग नंबर सीरीज ही करेंगे। नंबर सीरीज के हमारे टाइप्स मैंने आपको बता दिए थे, ये हो गया था हमारा एडिशन। यस मैम, ये सारा हो गया था हमारा। नंबर्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर, डबल डिफरेंस वाले क्वेश्चन भी हो गए थे हमारे, मल्टीप्लीकेशन ये दोनों क्वेश्चन ये हो गए थे, मल्टीप्लीकेशन के ये भी दोनों क्वेश्चन। मैम यस, ये हो गए थे। ओके ओके, ये वाला हो गया था ना, 12 into 10। यस मैम, 12 into 10 एंड देन 11 into 9, 10 into 8, हो गया था ना ये बेटा। यस मैम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। यस मैम, डिवीजन का हमने स्टार्ट करना था। यस मैम, डिवीजन का ये क्वेश्चन हो गया था, ये वाला क्वेश्चन हो गया था डिवीजन का। यस मैम, बताया हम लोग ये क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन कर रहे थे ना। हम ऊपर ये था, आवाज क्लियर नहीं आ रही आप लोगों की। हम ऊपर हम एग्जांपल 4 नहीं है ये बेटा, 4 नंबर सीरीज का फर्स्ट वो है, पार्ट है। हम पर ये मैम इधर में हो गया था मैम। चलो मैं ठीक है डिवीजन से करा देती हूँ, ठीक है, एक बार आपका रिवाइज हो जाएगा। क्लियर है? यस मैम। ओके, ठीक है। अब जैसे मल्टीप्लिकेशन में मैंने बताया था, लेफ्ट टू राइट सीरीज हमारी फॉलो होगी इस तरीके से, ठीक है। लेकिन हमारा जो डिवीजन है, जैसे कि आप ये एरो देख रहे हैं, ठीक है, हमारी सीरीज कैसे फॉलो होगी, इस तरीके से, ठीक है। सबसे पहले अब हमने क्या देखना है कि हम, अगर मैं ध्यान से देखूं, जो हमारा 36 है, ये हमारा 3 के टेबल पे कटेगा, 12 3 36, ठीक है, देन 4 3 12। तो यानी कि कहीं ना कहीं अगर मैं राइट टू लेफ्ट चलूं तो ये 3 की डिवीजन दिख रही है। अगर मैं 108 को 3 से डिवाइड करूं तो मेरा 36 आ रहा है क्या? 3 3 9 एंड 3 6 18, ठीक है, पूरा 36 पे आपका चला जाएगा, तो हमारा ये आ रहा है। देन 36 को 3 से डिवाइड करूंगी, अगेन मेरा 12 आ रहा है, ठीक है। सेम वे इसको भी मैं 3 से डिवाइड करूंगी तो मेरा आ रहा है 4 आ रहा है, ठीक है। अब अगर मैं राइट टू लेफ्ट चलूं तो डिवीजन हो रही है, अगर मैं लेफ्ट टू राइट चलूं तो क्या हो रहा है? वेरी गुड, ठीक है, ठीक है। तो यानी कि अब हमें ये पता चल गया कि हमारी सीरीज क्या फॉलो हो रही है, इंटू 3। अगर मैं लेफ्ट टू राइट चलती हूँ तो इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, एंड 108 को भी हम क्या करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, देन दैट इज आवर आंसर 324। क्लियर है ये क्वेश्चन? यस मैम। यस मैम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन हमारी लास्ट से डिवीजन कर रहे हैं, तो हमारी अप्रोच इस तरीके से रहेगी। अब हमें, अब मुझे ये बताओ कि मैं 10 को किससे डिवाइड करूं कि मेरा 2 आ जाए? 5। ओके ओके, चलो करके देखते हैं। 10 को हमने 5 से डिवाइड करा तो हमें पता है कि हमारा जो है 2 आ जाएगा। अब मैं 4 को किस चीज से डिवाइड करूं कि मेरा ये 10 आ जाए? 40। मैं 40 है, 4 से। 4 से, ठीक है, 4 से मैंने डिवाइड करा 40 को तो मेरा क्या आ गया, 10 आ गया। ठीक है जी, अब मुझे यहाँ से पता चल रहा है कि एक बार 5 से डिवाइड हो रहा है, एक बार 4 से, तो नेक्स्ट हमारा नंबर क्या होना चाहिए सीरीज में? 3 से। ठीक है, 3 से मैंने 120 को डिवाइड करा तो क्या आ रहा है मेरा? 40 आ जाएगा मेरा। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग जी, प्लीज टाइम पर आया करें, जो भी लेट जुड़ा है बच्चा, समझ नहीं आएगा। ठीक है, अब 5 से हमारा डिवाइड हो रहा है, 4 से डिवाइड हो रहा है, 3 से डिवाइड हो रहा है, यानी कि हमारा जो नेक्स्ट नंबर क्या होगा वो 2 से डिवाइड होगा। अब हम इस नंबर को किस तरीके से निकालेंगे वो मैं आपको बताती हूँ। इस स्पेस में x डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू
हमारी ये वाली अमाउंट 120, ठीक है। अब मुझे x की वैल्यू निकालनी है, तो मैं क्या करूंगी, ये मेरा 2 उधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, दैट इज 240। यानी कि जो हमारा x आ गया है, या जो हमें नंबर चाहिए था सीरीज में, वो 240 आ गया है। अब हमने कंफर्म करना है, क्या ये हमारा जो 240 है ये सही है, वो कैसे कंफर्म करेंगे, यानी कि जो हमारा नेक्स्ट नंबर है अब उसको 1 से डिवाइड करेंगे। अब 1 से मैं 240 को डिवाइड करूंगी तो मेरा आंसर क्या आएगा, 240, ठीक है। तो हमने क्रॉस चेक भी कर लिया कि जो हमने नंबर सीरीज फॉलो करी है वही फॉलो हो रही है, ठीक है, क्लियर है ये क्वेश्चन, क्लियर है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। अब आता है हमारा स्क्वेयर्स एंड क्यूब्स। स्क्वेयर्स एंड क्यूब में सबसे पहले हम स्क्वेयर्स का करेंगे, ठीक है जी। अब देखो, इसके लिए आपको स्क्वेयर्स आने बहुत जरूरी है, स्क्वेयर्स वाला क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के लिए। अब मैं इस वन को, इसको छोड़ देती हूँ। अब मैं यहाँ देखूं तो ये मेरा क्या बन रहा है, वेट 2 ये मेरा क्या बन रहा है, 2 का स्क्वायर, ये 2 है बेटा, दिस इज 2। और ये 9 को मैं 3 का स्क्वायर, इसको मैं 3 का स्क्वायर लिख सकती हूँ। इस 16 को मैं 4 का स्क्वायर, 25 को 5 का स्क्वायर, अब 1 को मैं 1 का स्क्वायर करती हूं, 1 का स्क्वायर हमारा क्या होगा, 1 × 1 हमारा 1 ही रहेगा। इसको मैंने 2 का स्क्वायर लिख के, इसको 3 का स्क्वायर, इसको 4 का स्क्वायर, इसको 5 का स्क्वायर, तो नेक्स्ट हमारा सीरीज में क्या आ जाएगा, 6 का स्क्वायर, ठीक है। ये हमारा क्या आ जाएगा, 36 36, क्लियर है स्क्वायर का। अगर वो डायरेक्ट क्वेश्चन देंगे वो इस तरीके से भी दे सकते हैं, बट इतना इजी जनरली एग्जाम में आता नहीं है, क्लियर है। नेक्स्ट आते हैं 441 किसका स्क्वायर होता है, 21 स्क्वायर, हां जी 21, वेरी गुड, 22 का स्क्वायर, वेरी गुड, 676। हाँ जी करेक्ट है आपका आंसर। क्लियर है इस तरीके से, लेकिन अगर वो डायरेक्ट स्क्वायर देंगे ना तो आपको जो टर्म्स है ना वो बड़ी बड़ी लेंगे, ठीक है, वो बड़ी बड़ी टर्म्स देंगे, ठीक है, सिंपल टर्म्स नहीं देंगे। ये जो मैंने बताया था ये आपको जस्ट बेस बताने के लिए बताया था, ये किस तरीके से स्क्वायर्स के क्वेश्चन है। अब जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं ना, इस तरीके से पूछे जाते हैं क्वेश्चन। अभी इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, 120 को 11 का स्क्वायर माइनस 1, ओके करेक्ट। नेक्स्ट 12 का स्क्वायर माइनस 1, ठीक है, आंसर बताओ इस क्वेश्चन का करके, अब आंसर क्या आएगा ये बताओ फटाफट। जी क्या आंसर आ रहा है बेटा, 255, ठीक है। ये हमारा क्या आ जाएगा,
ये हमारा हो गया 12 का स्क्वायर माइनस 1, दिस इज 13 का स्क्वायर माइनस 1, दिस इज 14 का स्क्वायर माइनस 1 एंड दिस इज 15 का स्क्वायर माइनस 1 एंड यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारा 16 का स्क्वायर माइनस 1, 16 का स्क्वायर माइनस 1। क्लियर हो गया ये क्वेश्चन? ठीक है स्केयर्स के आपको और कई बार मैं एक और चीज बता दूं आपको, स्केयर्स में आपको एक नंबर सीरीज दी होगी उनका डिफरेंस आपको पता क्या देंगे, उनका डिफरेंस जो आपका बनेगा ये 1 बनेगा, 4 बनेगा, 9 बनेगा, 16 बनेगा, 25। तो आप नेक्स्ट पहचान जाओगे कि अब 6 का स्क्वायर हमने करना है तो वो ऐड करके दैट इज योर आंसर। इस तरीके से भी क्वेश्चन आ सकता है। क्लियर है आपको ये? इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।